अस्सलाम वालेकुम, नाज़रीन रोज न्यूज के साथ मैं हूं जहांगीर खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मेयर कराची के लिए अच्छी खबर, इश्तियाक अंगेज तकरीर केस में जमानत मंजूर कर ले गए। 39 में से 38 केसेस में जमानत मंजूर हो गई। दसगा गुजरात चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। लाहौर में भी बूंदा बांदी, मौसम में खुनकी बढ़ गई। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। बहुत ड्राई हो रही है जिसकी वजह से क्रैक्स पड़ते हैं और दर्द होती है। टी जोन पे ऑयल आ जाता है और बाकी एरिया इतना ड्राई हो जाता है कि आपको समझ नहीं आती आप लोशन अप्लाई करो या कुछ आप ड्राई करने के लिए से कुछ करो। सर्द हवाएं चलने लगी, मौसम में खुनकी बढ़ने लगी, रंगत उड़ने लगी, खुश्की और चेहरे के दाने लड़कियों के लिए बने बबाले जान। जल्दी खारिश के मरीज भी परेशान। लाहौर में बाल रोड पर यंग डॉक्टर्स का धरना पांचवे रोज में दाखिल हो गया। ट्रैफिक की बंदी से सुबाई बुजुर्ग और अफसरान की मुश्किलात पर हुकूमत जाग उठी। मुजाहरा खत्म कराने के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। मसाइल के अंबार और सहूलतों के फुकदान ने पंजाब के डॉक्टर्स को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में हजारों असामियां खाली, महकमे सेहत की समरिया रद्दी की नजर। इशरत उलहबाद के दुबई में सियासी राबते, फारूक सत्तार को मुलाकात के लिए पैगाम भिजवा दिया। मुतहदा पाकिस्तान के सरबरा फ्लाइट शेड्यूल होने के बाद ना हो सके, जबकि दुबई में इशरत उलहबाद या परवेज मुशरफ से मुलाकात नहीं की, फारूक सत्तार की तरदीद। मामू इमरान फारूक का कोड नाम था। मोहसिन अली ने मुतहदा रहनुमा को पकड़ने का एतराफ कर लिया। काशिफ ने सर पर ईंट और सीने पर छुरी मारी। कातिल का हुक्म आला क्यादत ने दिया। मुल्ज़िम का इकबाली बयान। ट्रंप नामंजूर, अमरीका में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा समेत कई शहरों में मुजाहरे। 9 मुंतखब सदर का ओबामा हेल्थ केयर प्रोग्राम पर यूटर्न, कहते हैं प्रोग्राम खत्म करना लाजमी नहीं, तरमीम कर सकते हैं। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 85 रन पर ही ढेर हो गया। लैंडर 5 विकेट के साथ नुमाया रहे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ पर पिशावर से अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताते चलें कि पिशावर के नवाही इलाके में मित्रा में रिक्शे पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जा भाग हो गए हैं। फायरिंग से बाप बेटा और रिक्शा ड्राइवर जा भाग हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जा भाग अफराद पेशी के लिए अदालत जा रहे थे। अपने तमाम नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि पिशावर के नवाही इलाके में मित्रा में रिक्शे पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जा भाग हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से बाप बेटा और रिक्शा ड्राइवर जहां भाग हुए हैं। आपको मजीद बताएं कि जहां भाग अफराद पेशी के लिए अदालत जा रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक खबर पिशावर से, जहां पिशावर के नवाही इलाके मित्रा में रिक्शे पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जहां भाग हो गए हैं। फायरिंग से बाप बेटा और रिक्शा ड्राइवर जहां भाग हो गए हैं, जबकि जहां भाग अफराद पेशी के लिए अदालत जा रहे थे। आपको एक बार फिर बताते चले कि पिशावर के नवाही इलाके मित्रा में रिक्शे पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जहां भाग हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से बाप बेटा और रिक्शा ड्राइवर जहां भाग हुए हैं। जहां भाग अफराद पेशी के लिए अदालत जा रहे थे।
आपको एक बार फिर बताने चले कि पिशावर के नवाही इलाके मित्रा में रिक्शे पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान बहक हो गए हैं। फायरिंग से बाप बेटा और रिक्शा ड्राइवर जान बहक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जान बहक अफराद पेशी के लिए अदालत जा रहे थे। आपको एक बार फिर बताते चलें कि पिशावर के नवाही इलाके मित्रा में रिक्शे पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से बाप बेटा और रिक्शा ड्राइवर जान बहक हुए हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक जान बहक अफराद पेशी के लिए अदालत जा रहे थे। आपको बताते चलें कि पिशावर के नवाही इलाके मित्रा में रिक्शे पर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जान बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से बाप बेटा और रिक्शा ड्राइवर जान बहक हुए हैं। इसी हवाले से आपको आने वाले बुलेटिन में अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट रोज टीवी .com। देखते रहिए रोज न्यूज़।